सो है गाइस, वेलकम टू आवर माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मैंने तेल डाल लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ अभी सरसों। मैं आज बनाऊँगी आलू और छोला, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ज़्यादा सामान तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाने में। और मैं अभी प्याज डाल दी हूँ, हरी मिर्च नहीं है मेरे पास अवेलेबल, नहीं तो डालती हूँ मैं। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग डाल सकते हैं, कड़ी पत्ती भी डाल सकते हैं। और मैं ये डाल रही हूँ। उसके बाद हल्दी, और प्याज के साथ हल्दी डालने से कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्ज़ी का कलर एकदम ज़्यादा उभर के आता है जब प्याज और तेल के साथ में हल्दी पड़ता है। तो मैं इसको हल्का ब्राउन फ्राई कर लूँगी। उसके बाद देख लीजिए, मैं टमाटर काटी हूँ। टमाटर थोड़ा मैं ज़्यादा ले ली हूँ, टमाटर ख़राब हो रहे थे, सोचा बना लेती हूँ। तो मैंने 3-4 टमाटर ले ली हूँ। तो इसको हम लोगों को अच्छे से फ्राई करना है, नमक डाल के फ्राई कर लेना है, अच्छे से पकने देना है। और छोला और आलू मैं पहले से उबाल के रख चुकी हूँ, तो आप लोग देखते रहेगा, वीडियो में बने रहेगा। और ये मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको थोड़ा देर तक ढक लेना है। ढकने के बाद तो 5 मिनट पकने देना है, उसके बाद देखना है चेक करके। तो मैं ये ढक लेती हूँ, तो देख लीजिए आप लोग, ऐसे बनाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये हमारा। देख लीजिए, मैं ढक्कर न डाली हूँ, ये हमारा ये पक चुका है। थोड़ा देर और पकाऊंगी मैं इसको, भून लूँगी। इसको भूनने के बाद में इसमें हमें ऐड करना, देख लीजिए बाजू में दिख रहा है आप लोगों को, छोला दिख रहा होगा कुकर में। तो ये मैं डाल दी हूँ धनिया पत्ती, अपने अकॉर्डिंग डाले सारे मसाले, मेरे को जितना ज़रूरत है मैं उतना ही डाल रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा ये मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला। और गरम मसाला अगर नहीं था मेरे पास तो ये मैं थोड़ा पानी डाल ली हूँ और इसको फ्राई कर ली हूँ। तो देख लीजिए, अब मैं डाल देती हूँ आलू। आलू में हल्का थोड़ा प्रेस कर दी हूँ, आलू में पहले से कुकर में उबाल ली थी तो नहीं सूट कर पाई मैं। और ये मैं डाल रही हूँ चना, और चना को अच्छे से धुल लेती हूँ मैं और इसको डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ा हम लोग अच्छा मतलब गाढ़ा बनाना रहता है, तो क्या बोलते हैं ये जो आलू रहते हैं ना, उसको थोड़ा दबा दीजिएगा, हो जाता है गाढ़ा। तो इसको थोड़ा हम लोगों को पकने देना है अभी। तो हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है, देख लीजिए क्या अच्छा लग रहा है। ग्रेवी एकदम मस्त है। थोड़ा पानी ज़्यादा डालें क्योंकि 2 टाइम खाना है इसलिए। तो आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी बताइएगा। धनिया पत्ती नहीं है, हरी मिर्ची भी नहीं है, इसलिए नहीं डाली, तो माइंड मत कीजिएगा। हम होने को बदमाशी देख लो। हंसी आ रहा है, शर्मा रहे हैं वो थोड़ा। उनके पापा आज बिना खा के ड्यूटी चले गए हैं क्योंकि लेट हो गया खाना बनाने में, तो बिना खा के इसलिए ड्यूटी चले गए। थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, 1-1.5 नहीं बजेगा तो आएंगे नहीं, तो सुबह से खाली पेट में 1-1.5 बजे तक काम करना, मतलब देखेंगे टाइम मिलेगा बीच में तो आ जाएंगे खाने के लिए, और नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। उठो मनु, उठो बेटा। ये देखो मनु बदमाशी, चिंग 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 टिंग 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 है। हंसी आ रहा है, हंसी आ रहा है। नो 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 नो। और सब लोग आपको देखते हैं जो मनु को, आई लव यू मनु बोलो, आई लव यू मम्मा बोलो। नहीं बोलोगे अब अच्छे नहीं हो। चलो मम्मा को चुम दे दो, चलो चलो मम्मा को चुम दो। नहीं दोगे अब अच्छे नहीं हो ना। तो यही सब्जी बचा था और दो तीन आलू बचाए हैं और चना, बस ये था। अभी बना लिए हैं, अभी 2 टाइम के लिए बनाए हैं। थोड़ा पानी इसलिए मैं ज़्यादा रखी हूँ, थोड़ा गाढ़ा बनाइएगा आप लोग। मैं पानी इसलिए ज़्यादा रख दी हूँ क्योंकि अब बार बार तो सब्जी नहीं बना सकते, अलग 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 बार बार बनाएंगे तो सामान का भी वेस्ट होगा, और ऊपर से उतना सामान अब अवेलेबल नहीं है। नहीं मैंने मधुमासी नहीं, उतना सामान नहीं है अभी, तो इसी वजह से ऐसे ही सिंपल तरीके से बना दिए। तो आप लोगों को पसंद आया होगा। और टमाटर भी नहीं था तो बाजू वाले दीदी लोग लाए थे कहीं से, छोटा छोटा टमाटर बहुत सारा लाए थे, तो थोड़ा सा दिए 6-7। नहीं मधुमासी नहीं, 6-7 टमाटर दिए हैं हम लोग, इतना इतना छोटा छोटा, तो उसी को डाली हूँ। कोई मार्केट जाएगा तो मंगाएंगे, और इनके पापा को अभी छुट्टी नहीं मिलेगा क्योंकि क्या बोलते हैं वो कुछ और वैक्सीन चल रहा है, मुर्गी लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं,
तो अब छुट्टी नहीं मिलेगा तो कोई जाएगा ही तो मंगाएंगे, नहीं तो नमक है, मिर्ची है, लहसुन भी है थोड़ा सा, उसी को पीस पीस के खाएंगे और क्या करेंगे। कोई जाने से मंगा लेंगे सब्जी, नहीं जाने से क्या कर सकते हैं, तो यही है बस। और क्या बोलें बस आप लोगों को, आप लोग तो समझ ही सकते हो सब सिचुएशन को। तो ठीक है, आप लोगों को बाद में मिलते हैं हम लोग। हम लोगों को भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है अभी, सब्जी तो बन चुका है लेकिन मन नहीं कर रहा है खाने के लिए, क्योंकि मनु के पापा नहीं खे खा के गए ना, तो थोड़ा टेंशन हो रहा है। और अगर वो खा के चले गए रहते तो हम लोग फुर्सत से दोनों खा के सोते हैं। हाँ, दोनों तो खाते भी नहीं हैं, और देखो कुछ कुछ सामान को पकड़ के इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो मुझे तो मम्मा का और इधर अच्छा से चुको, इधर इधर माथा में, हाँ ऐसे चुमते हैं उसके पापा को डेली। हाँ क्या क्या है, मिर्ची है, मिर्ची मिर्ची है बेटा। अपने पापा को ऐसे ही चूमते हैं डेली और बाय बाय करेंगे, उनको पता चल जाता है उसके पापा जब रेडी होते हैं जाने के लिए तो ये पैर में चिपक जाते हैं। देख देखो बिंदी, इसीलिए मैं नहीं लगाती, क्योंकि बिंदी लगा तो कोई फायदा ही नहीं रहता, ये खींच के निकाल के। और जैसे वो सिंदूर वाला बिंदी लगाने से उसको भी ऐसे ऐसे करके पोंछते रहते हैं, इसी वजह से भी मैं नहीं लगाती। तो बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसे लगा। और अभी मैं और मुनु है घर पे, तो देखते हैं क्या क्या करेंगे। कपड़ा वपड़ा तो धुलने के लिए नहीं है, सब कपड़ा मैं धो दी हूँ, तो देखेंगे अभी क्या क्या काम करेंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे हम लोगों का रूटीन आज का। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अभी हो रहा दोपहर का टाइम। हाय बोल दो मुनु, मुनु को देख लो, मुनु को इधर देखो, इधर 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 देखो इसकी मस्ती। नहीं दोगे, बदमाशी चालू चालू बदमाशी है क्यों? क्या कर रहे हो मनु? डांस कर रहे हो? नहीं करो बेटा, कपड़ा चिपकाते हैं ना उसमें। और पापा के पास जाओ, उधर डांस कर देना, जाओ पापा के पास, पापा गाना लगा देते जो सोने। ये पागल है, पागल रे, पागल रे, पागल है। जलन हो गया ना मनु, है ना? चुम दे तो चुमू चुमू, नहीं दोगे? उई क्या को पकड़ रहे हो हैं? सो हेलो फ्रेंड, ये शाम का टाइम है और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाजू में जो रूम है ना वहाँ सॉन्ग चल रहा था, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बात तो कर रही थी लेकिन बाद में मैं जब सुनी ना वीडियो को तो सॉन्ग चल रहा था, तो कॉपीराइट का इशू होता है, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से बैठी हुई थी मैं। और शाम को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब लगता है एकदम, दिन में तो थोड़ा सही रहता है, शाम होता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, ज़्यादा तबीयत ख़राब लगता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। और आज का रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा बताइए। और मनु की मस्ती तो देख ली होगी आप लोगों ने। अगर रेसिपी थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो ये मनु के पापा कुछ कुछ कटिंग करके रखे हुए थे सब्जी बनाने के लिए, तो वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो सब्जी तो नहीं है फ्रेंड, तो जो था उसी को बना रहे थे। मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसीलिए आप लोगों को आवाज़ थोड़ा लो आ रहा होगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। और मैं ऐसे बात कर रही थी आप लोगों से, कुछ कुछ बता रही थी, और मेरा तबीयत भी एकदम सही नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कई लोगों ने मुझे पूछा था कि आप करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं करते, मतलब करते हो या नहीं? तो मैं नहीं करती क्योंकि मेरे को कुछ हेल्थ इशू है, जिसके वजह से डॉक्टर ने मुझे मना किया टाइम टू टाइम टैबलेट और टाइम टू टाइम खाना खाना मेरे को ज़रूरी होता है। और बाबू दूध पीते हैं, तो जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे पिएगा, और खाना खाने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो इसी वजह से। और ये मनु के पापा चावल चढ़ा रहे हैं अभी,
मेरे को दिखा रहे थे कितना चावल चढ़ाना है बोल के, तो वही रात का टाइम है, शाम हो गया मतलब 7 बज गया था, तो ये चावल चढ़ा रहे थे और मैं बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को एकदम थकावट सा फील हो रहा था, वीकनेस फील हो रहा था, इसीलिए मैं बैठी हुई थी। उनको बताते जा रही थी, उनको गैस भी चालू करना नहीं आता है, तो मैं गैस पहले से चालू करके रख दी थी, तो वही उसके बाद चावल चढ़ा रहे थे। तो ऐसा होता है फ्रेंड, क्योंकि वो कभी चूल्हा चौका ये सब किए नहीं है, कभी गैस वैस चालू नहीं किए हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम होता है उनको। तो कोई नहीं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिएगा, और वीडियो कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आँख में मेरे सूजन आ गए थे, खिंचा गए थे आँख, और फेस में सूजन आ गया था, वही आप लोगों को बता रही थी मैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं बीमार हूँ, और मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अब मेरे को बुखार तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और एकदम मुँह में छाले आ जाते हैं। बुखार उखार तो नहीं होता, लेकिन ऐसे ऐसे इस टाइप का दर्द होता है ना कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्दाश्त भी नहीं हो पाता होता ना। और मैं छोटे छोटे अगर तकलीफों में मैं मेडिसिन वगैरह नहीं खाती हूँ, तो ये मन के पापा आके बाजू में बैठ गए थे, तो सॉन्ग चल रहा था उसी लिए मेरे को म्यूट करना पड़ा, और वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, नहीं तो काफ़ी कुछ मैं बात भी की हूँ ब्लॉग में, तो ये देख लीजिए बाजू में आके बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड बोल रहे हैं आप लोगों को, तो वही मैं बोल रही थी बात कर लो ऐसे करके। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल पे लाए हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। देखो मैं बार बार जब आ रही हूँ, मेरे को नींद भी आ रहा है बड़ा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तबीयत ठीक ना होने की वजह से इसीलिए मैं मतलब बैठी हुई थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा पैर में सूजन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है मैं बता देती हूँ, पाँव में सूजन आ रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर ने मुझे भूखे रहने के लिए मना किया, मुझे टाइम टू टाइम खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़ा खाओ लेकिन खाओ ऐसा बोला है डॉक्टर ने, इसलिए मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती। और पिछले 2-3 साल से मैं काम करती थी, तो इसीलिए मेरे को ड्यूटी भी जाना रहता था, इसीलिए मैं नहीं रख पाई थी, तो इस साल मैं नहीं रहूँगी क्योंकि मेरा तबीयत ही सही नहीं है, और बच्चा है छोटा तो देखना पड़ता है, डॉक्टर भी मना किया है मेरे को, तो इसी वजह से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूँगी, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अभी तो इस साल तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है मेरे को, और काफ़ी ज़्यादा मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर ज़रूर बता दीजिएगा। तो जाते जाते मैं थोड़ा मोनू को दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो बाय बाय फ्रेंड, ऑल फ्रेंड बाय बाय। देख लीजिए मोनू की मस्ती।